देखिए इसका एरिया पे सेंट्रल रीजन है, देखिए इसका एरिया पे सेंट्रल रीजन जो है आपका, ओके आपका 4x7 इंटू साइड का स्क्वायर, स्क्वायर का साइड का स्क्वायर, ओके इसका एरिया पे सेंट्रल रीजन क्या होता है 4x7 ऑफ एरिया पे साइड का स्क्वायर, ओके ये 4x7 व्हाट इज द साइड, दैट इज 8 का स्क्वायर, ओके 4x7 इंटू 8 का स्क्वायर कितना 64, ओके कितना आ रहा है आपका, देखिए ये 44 जा 16 बार 46 जा 24 256x7, ओके इसको याद कैसे रखेंगे, जब 4 7 हो साइड का स्क्वायर होता है, ओके ये तो याद कैसे रखो, जब 4 7 है, जब चार सात है साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है ये बहुत बढ़िया, ये एक लोग है, ये एक लोग है, ये एक लोग है, ये एक लोग है, जब चार लोग साथ है तो साइड का स्क्वायर होता है, ओके ठीक है। देखिए इसका एरिया पे सेंट्रल रीजन देखिए, जब इसका एरिया सेंट्रल रीजन देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डिवाइड करना है, ओके अच्छा ये 10 है, 10 को दो भाग हुआ, 10 को दो भाग हुआ 5, ये भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, अभी हम इसका पढ़ाए, एक का पढ़ाए, चार ठो है, एरिया पे सेंटर रीजन क्या आपका आएगा 4x7, जब चार लोग साथ है, जब चार लोग साथ है साइड का स्क्वायर होता है, ओके ये आपका 25 इंटू 4 कितना 100x7, लेकिन ऐसा चार पत्ते हैं, चार पत्ते हैं इंटू 4 कितना आएगा, ये 400 सेम स्क्वायर है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, रियल मेथड नहीं है, सिर्फ आंसर निकालने का शॉर्ट ट्रिक है, ओके।